वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे प्लांट्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में। हम अपने आसपास बहुत सारे पौधे पेड़ देखते हैं जिनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी आप देख पाते हैं, जैसे कि लगभग सभी में रूट्स हो सकते हैं, स्टेम और ब्रांचेस पाई जाती हैं, लीव्स पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं, फल पाए जाते हैं। ये सब जो प्लांट है उसमें आप देख सकते हैं। फिर भी इनमें कुछ कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो भी पाए जाते हैं। मेनली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उनके जो हाइट है उसमें आप अंतर देख सकते हैं। जैसे कि गुलाब का जो पौधा है उसकी हाइट कम होती है, और यहाँ पे जो आम है, आम का पेड़ है, उसकी जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। उसी के अकॉर्डिंग हम आज देखेंगे कि जो प्लांट है वो कितने टाइप से हो सकते हैं, और इसे कहा जाता है ग्रोथ हैबिट। ग्रोथ हैबिट क्या है? तो यहाँ पे कोई भी अगर प्लांट है तो उसके हाइट, शेप और जो उसका ग्रोथ है वो किस प्रकार से है, उसके अकॉर्डिंग आज हम प्लांट्स जो हैं उन्हें डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितने प्रकार के जो प्लांट है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स में जिसे कहा जाता है हर्ब। अगर हम देखें हर्ब क्या है, तो ये शॉर्ट साइज्ड प्लांट होते हैं, मतलब इनकी जो हाइट है, साइज है, वो बहुत ही छोटी होती है। ये ग्रीन होते हैं और साथ ही साथ इनमें जो स्टेम है उसमें वुडी टिश्यू नहीं पाए जाते, मतलब कि इनके जो स्टेम है वो बहुत ही सॉफ्ट होंगे। वुडी टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जो किसी भी प्लांट को हार्ड बनाते हैं, तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे सबसे पहले समझने के लिए, तो पुदीना, धनिया, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप देखते होंगे ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ इनके जो स्टेम है वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो एक या दो सीजन में ही कंप्लीट हो जाता है। आप जान ही गए हैं कि जैसे कि पुदीना है, एक बार लगाएंगे तो वो लगभग कुछ ही मंथ तक चलेगा। उसके बाद जो इसका प्लांट है, मेनली कहें जो हर्ब है, वो यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो यही जो है हर्ब है जो कि सॉफ्ट होंगे, साइज में बहुत ही छोटे होंगे और बूडी टिश्यू के विदाउट होंगे। यहाँ पे देखिए जो हर्ब होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशनल बेनिफिट हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स जो हैं वो हर्ब में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि हमें न्यूट्रिशियस जो चीज़ें हैं जैसे कि विटामिन्स, मिनरल से भरपूर खाने वाली वस्तुएं उन्हें खानी चाहिए, और ये जो हर्ब है वो हमें ये सब प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे होगा हमारा श्रब्स। अगर हम देखें तो ये मीडियम साइज्ड वुडी प्लांट होते हैं जो कि हर्ब से हाइट में बड़े होंगे और ट्री से हाइट में छोटे होंगे। एग्जाम्पल पहले देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। गुलाब, जैस्मिन, तुलसी, हीना, ये सब जो हैं वो श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि यहाँ पे हर्ब से हाइट में ज़्यादा हैं, ट्री से छोटे हैं। अगर हम हाइट की बात करें तो ये यूजुअली जो हैं वो 6 मीटर से 10 मीटर की रेंज में आते हैं। और अगर हम इनके जो फीचर है उसके बारे में बात करें तो ये हार्ड होते हैं, इनमें वुडी स्टेम पाए जाते हैं और बहुत सारे ब्रांचेस ये दिखाई पड़ते हैं, मतलब ये झब्बेदार होते हैं, घने होते हैं इनके जो ब्रांचेस हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनके जो स्टेम है वो हार्ड होते हैं और वो फ्लेक्सिबल होते हैं, पर ये भंगुर नहीं होते, इजली नहीं टूटते। अगर हम बात करें इनकी लाइफ स्पैन की, ये कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, तो ये इनकी स्पीसीज पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया, गुलाब, जैस्मिन, तुलसी, ये सब श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें हाइट के अकॉर्डिंग तो ये होगा ट्रीज। ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इजिली पहचान लेंगे, जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होते हैं और बहुत ही घने होंगे वो सब क्या आएंगे, ट्रीज के कैटेगरी में आएंगे। अगर हम देखें तो जो ट्री हैं उनमें बीच में एक बहुत ही मोटा वुडी स्टेम पाया जाता है जिसे कहा जाता है ट्रंक, और ये जो बीच में जो मेन ट्रंक है उससे बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, और इन्हीं ब्रांचेस में आप पत्तियां, फूल, फल देख सकते हैं। आप पहचान ही लेंगे, जैसे कि आम, बरगद, और साथ ही साथ हो गया हमारा नारियल या फिर कोकोनट, अमरूद, ये सभी ट्री के कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इनका जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा होता है हाइट, साथ ही साथ इसमें एक मेन ट्रंक पाया जाता है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं और इनमें जो लीव हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, ये सभी लगी हुई होती हैं। पर यहाँ पे कुछ जो ट्री हैं
वो ब्रांचलेस होते हैं, मतलब कि उनमें ब्रांचेस नहीं पाए जाते, जैसे कि कोकोनट या फिर नारियल आप देखते होंगे, उसमें बस एक बीच में मेन स्टेम पाया जाता है जिसमें पत्तियाँ, फ्रूट ये सब लगी हुई होते हैं। अगर हम बात करें लाइफ स्पैन की, तो ये बहुत ही ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सकते हैं, ये बहुत ही सालों तक जीवित रह सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बरगद, आम, नीम भी आप ले सकते हैं, ये सभी ट्री के एग्जाम्पल हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे होगा क्लाइम्बर। अगर हम बात करें तो ये बहुत ही एडवांस्ड होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही पतले होंगे, इनकी जो तनाएं हैं वो बहुत ही पतली होती हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ही वीक और कमज़ोर होती हैं, साथ ही साथ इनकी जो स्टेम है वो बहुत ही लंबे होते हैं। अगर इनमें एक हम वो देखें, कमी देखें, तो ये अपने से स्टैंड नहीं हो सकते, जैसे कि आप दूसरे ट्री और हमारे श्रब, हर्ब, लोको हर्ब, ये सब जो प्लांटेस हैं उन्हें अगर देखें तो वो अपने से खड़े रहते हैं ज़मीन में, पर जो क्लाइंबर होते हैं उनमें ये कमी पाई जाती है, वो अपने आप यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते, उन्हें ये ऊपर ग्रोथ करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इन्हें क्लाइंबर कहा जाता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखते होंगे, जैसे कि मनी प्लांट बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप सभी देखे होंगे। मनी प्लांट जो है उसकी जो तने हैं या फिर स्टेम है वो बहुत ही पतली होती हैं, साथ ही साथ ये ऊपर चढ़ने के लिए किसी भी सहारे का यहाँ मदद लेती हैं, जैसे कि दीवार में या फिर रस्सियों की सहायता से हम जो क्लाइंबर हैं उन्हें ऊपर चढ़ाते हैं, क्योंकि ये अपने से ऊपर नहीं जा सकते। तो क्लाइंबर की खास विशेषता यही है कि ये बहुत ही विशेषता या फिर कमी भी कह सकते हैं कि ये बहुत ही पतली होती हैं, इनकी स्टेम बहुत ही कमज़ोर होते हैं और वो अपने से ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं, उन्हें किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं जिन्हें कहा जाता है क्रीपर्स। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, क्रीपर्स मतलब जो रेंगते हों वो वाले पौधे। यहाँ पे अगर आप बहुत सारे प्लांट्स, जैसे कि सबसे पहले मैं एग्जांपल ही बता देती हूँ आपको, पम्पकिन या फिर जिसे कहा जाता है हमारा कद्दू, स्वीट पटेटोस, ये सभी क्रीपर की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दिखने में बिल्कुल ही क्लाइंबर के समान ही दिखाई पड़ते हैं, पर इनमें मेन डिफरेंसेस ये है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं वो सपोर्ट की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, पर ये जो क्रीपर्स हैं वो ज़मीन में ही रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। इनके जो स्टेम है वो बहुत ही पतले होते हैं, साथ ही साथ अगर देखें तो ये बहुत ही कमज़ोर होते हैं और इजली इनकी जो स्टेम है या तने हैं वो टूट जाते हैं। अगर आप इन्हें थोड़ा सा भी मोड़ेंगे, इनकी जो तने हैं, तो ये इजली टूट जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्रीपर हैं वो जमीन में रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर और एग्जाम्पल देखेंगे तो वाटर मेलन भी आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी और स्वीट पटेटो और पम्पकिन मैंने बता ही दिया था। आज का हमारा जो वीडियो था वो इतना ही, मैंने यहाँ डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए व्यूवर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप उसे देख पाए।